वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम यानी GHMC इलेक्शन चुनाव की 150 सीटों पर पोस्टल बैलेट के बाद अब मेन बैलेट की गिनती चल रही है। सत्तारूढ़ TRS 65 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि दूसरे नंबर के लिए BJP और OYC की पार्टी AIMI के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। BJP 32 तो OYC की पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है। पिछले चुनाव में महज 4 सीटें जीतने वाली BJP इस बार दमदार प्रदर्शन करती दिख रही है। साल 2016 के चुनाव में TRS ने 99 और OYC के AIMIM ने 44 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 वार्ड आए थे। इससे पहले जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी तो BJP ने सबको चौंका दिया था। पोस्टल बैलेट की गिनती के वक्त जो ट्रेन था उसके मुताबिक BJP पहले नंबर पे थी। BJP को 87, TRS को 33 और AIMIM को 17 सीटों पर बढ़त थी। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन OYC के गढ़ में पैर जमाने के लिए BJP ने पहली बार किसी नगर निगम चुनाव में किसी बड़े चुनाव की तरह सारी ताकत लगा दी। शाह, नड्डा और योगी समेत सभी बड़े नेताओं ने प्रचार किया। बता दें कि इस बार के चुनाव में 46.55% मतदान हुआ है। वहीं 2009 के हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 42.04% तो 2016 में हुई नगर निगम चुनाव में 45.9% लोगों ने वोट डाले थे। हालांकि पिछले 2 चुनाव से ज़्यादा इस बार वोटिंग दर्ज की गई है। 3 बजे के ताज़ा अपडेट के मुताबिक TRS 59 सीटों पर आगे चल रही है तो BJP 48 सीटों पर आगे बनी हुई है। वहीं AIMIM 41 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। बता दें कि इस रिपोर्ट के बनने के समय तक AIMIM के 20 वार्ड सदस्यों ने जीत दर्ज कर ली है। Initial trend is so that BJP is leading what's your view? Yeah, this was expected. The transformation has started in the state of Telangana. You have seen Lok Sabha elections result, then Dubaka by-election, which is the home turf of TRS party, adjacent to KCR, KTR and Harish Rao's constituencies. It is actually in the middle of that. And now GHMC, this is expected. This is a paper ballot election, so let us wait for the final result. Let us wait till the evening. But it is a clear message to TRS party that Telangana people and GHMC people have given that we need a change here. And why was this election preponed? Out of fear due to the result of Dubaka by-election. Still 3 years plus to go for the local government, and people have decided to vote for a change. And they have decided that Mr. Modi's leadership, non-corrupt administration is what is required in the state of Telangana.